अनोखी दास्तान आपके बीच एक लेकर आए हैं। प्रेम दीवाने जो हैं उनकी बहुत सारी स्टोरी आपने सुनी होंगी, लेकिन इस वक्त जो बड़े चर्चाओं में देखी जा रही है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, दोनों मुल्क की जो लोग हैं वो बड़े चर्चा उनमें बनी हुई है। बात करेंगे सीमा गुलाम हैदर की, जो एक महिला है 27 वर्ष, जो महिला चार बच्चों की माँ, चार बच्चों को लेकर पाकिस्तान से वो इंडिया आ जाती है, ना कोई वीजा ना कुछ, किस तरीके से वो इंडिया पहुंची है और पूरा मामला आपके बीच रखेंगे और पूरा चर्चा करेंगे। बात होती है 3 साल पहले पबजी गेम के माध्यम से वह ग्रेटर नोएडा का एक लड़के से उसको मोहब्बत हो जाती है। लड़के का नाम जो बताया गया वो सचिन मानिक है, लेकिन जिस तरीके से दोनों के बीच प्यार प्रसंग इस कदर बढ़ा कि 3 साल के बाद वह दोनों आज एक दूसरे के बंधन में बन चुके हैं। यानी जो सीमा, जिसका नाम बताया गया सीमा गुलाम, जो पाकिस्तान की बहू थी, वह अब इंडिया में आकर इंडिया की बहू बन गई है, यानी सचिन की बहू बन गई है, और उसने धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। पूरा मामला जिस तरीके से बताएंगे, नेपाल के रास्ते सीमा हैदर अपने चार बच्चों के साथ इंडिया के माध्यम से एंट्री करती है, वहीं जब उसने देखा कि उसे यहाँ की नागरिकता लेनी है तो ये वकीलों के पास सलाह लेने गए, तो वहीं वकीलों ने पुलिस को जानकारी दी। जब पुलिस ने जो सचिन है और जो सीमा हैदर है उन दोनों को गिरफ्तार किया, लेकिन दो दिन बाद वहीं कोर्ट से उन्हें रिलीव मिलता है और कोर्ट ने उनको बेल दे दी, जिसमें साफ तौर पर उनके पीछे अब पूरी जांच पड़ताल सब चीज देखी जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जो सीमा हैदर है ये पाकिस्तान की जो अंदर खुफिया एजेंसियों ने भेजी है, या उस पर तमाम तरीके के गुप्तचर है, या कहीं ना कहीं उस पर बहुत सारे विचार करे जा रहे हैं। वहीं अगर देखने वाली बात है तो जो गुलाम हैदर है वो, उसकी कुछ वीडियो सामने आई है जिसमें वो लगातार धमकी दे रहा है, इंडियन जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उनसे रिक्वेस्ट करता भी दिख रहा है। वहीं कुछ वीडियो सामने आती हैं पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है वहां से वीडियो आती हैं, कोई हथियार लेकर कुछ जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं वो इंडिया को चुनौती दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि जो सीमा गुलाम है उसको वापस पाकिस्तान भेजे। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला गरमाया हुआ है, लोग देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर देखने की है तो ये है, जब सीमा गुलाम को बेल मिली और उसके घर, जैसे ही वो अपने घर पहुंची अपने पति सचिन, नए पति सचिन के मीणा के साथ, तो उसके घर लोगों का जमावड़ा लग गया। लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया, उसको फूल गुलदस्ते दिए, उसका सम्मान किया, लोगों को उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ गई। ये तस्वीरों में आप लगातार मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरीके से लोगों का आना जाना और किस तरीके से लोग उसको, जो कि सीमा गुलाम है, उनको भरपूर प्यार दे रहे हैं। और वही बात सीमा से बात की गई तो सीमा ने किस तरीके से कहा है, पहले सीमा का बयान सुनाते हैं। सचिन के प्यार में यहाँ आई हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं इनको, हद से ज्यादा चाहती हूँ, और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, इनसे शादी करती हूँ। यहाँ की पुलिस, यहाँ का कानून, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत चेंज है हमारे यहाँ से, हमारे मतलब मुस्लिम से बहुत चेंज है, बहुत अलग है यहाँ की जगह, यहाँ का अच्छा है रहन सहन बहुत, और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। तो पाकिस्तान में किस जगह से आप आए हैं? मैं कराची से, मैं कराची रहती थी। तो जेल में कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? जेल में बहुत अच्छा, बहुत अच्छे वहाँ के लोग हैं, उनको जैसे पता पड़ा मैं पाकिस्तान से हूँ, बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे मुझे, बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मेरी योगी जी से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ रखा जाए और मुझे नागरिकता यहाँ की दी जाए और उनके साथ मुझे रहने दिया जाए। तो अभी आप बता रहे थे आपने गंगा स्नान जाएंगे, क्या मतलब किस लिए? वैसे तो मैंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, हमने शादी भी कर ली है, पर दुनिया को प्रूफ चाहिए होता है, तो प्रूफ के लिए हम कोर्ट मैरिज और गंगा नहाऊंगे, जो भी मुझे कहा जाएगा मैं करके पूरी तरह से हिंदू बन जाऊंगी। आप सचिन को कितने समय से जानती थी? 3 साल से। आप सचिन से 3 साल से प्रेम करते थे? बहुत ज्यादा, और इनके बगैर मैं नहीं रह सकती। इनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो मुझे एस्केप कर लिया, स्वीकार कर लिया उन्होंने। जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका क्या आपकी तरफ नजरिया है, वो किस तरीके से आपको देख रहे हैं, आपको कैसे सम्मान के रूप में दे रहे हैं, या किस तरीके से आपको एक बेटी की तरह इज्जत दे रहे हैं, किस तरीके से? वैसे तो बेटी की तरह इज्जत दे रहे हैं, पर मुझे आस पड़ोस के लोगों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पति और मेरे पापा मम्मी वो मेरे साथ हैं। नहीं, जैसे लोग मिले तो उन्होंने कैसा आपको? वैसे तो अच्छा रहे, मुझे बेटी माना है सबने यहाँ पे, और जिनको फर्क पड़ता भी है तो उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पति मेरे
प्रेम में दीवानी हुई सीमा का जिस तरीके से आपने बयान सुना, तो आपने देखा किस तरीके से उसने नेपाल में शादी करी, 3 साल पहले पबजी के माध्यम से उस सचिन से जुड़ी थी, इंडिया आकर उसको कितना अच्छा लग रहा है, जेल में भी 2 दिन रही लेकिन जेल में भी रहकर वो तारीफ कर रही है, यानी अब योगी और मोदी सरकार से भी गुहार लगा दी है कि मुझे वापस पाकिस्तान ना भेजा जाए, मुझे इंडिया की नागरिकता मिले जिससे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूं। वही जो सचिन मीना है उसका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे को 2020 से प्रेम था, 2020 से ये स्टार्ट हुई थी बात, और हमारा जो सरकार जी से बस यही निवेदन करना चाहता हूँ कि बस हमें, यानी कि घर वाले पापा भी बोल रहे हैं कि शादी के हिसाब से तुम्हारी भी, जैसे घर घर पर शादी होती है तो उस तरीका की जितनी हम पे होगी इतनी शादी वैसे करेंगे, तो अगर कोर्ट मैरिज चाहेंगे तो कोर्ट मैरिज करवाएंगे या वैसे घर पे जैसे शादी करते हैं हिंदू धर्म में। क्या सीमा है तुमने क्या हिंदू धर्म अपनाया है? हाँ जी, वो नेपाल से, जिन नेपाल में हमने शादी की थी तब से ही उसने हिंदू धर्म अपना लिया है, और अपना तो लिया ही है ही, और गंगा जी नहाने जाएंगे 1-2 दिन में तो और बिल्कुल वो थोड़ा। घर में क्या सीमा पूजा पाठ भी शुरू कर दिए? हाँ करती हैं। हाँ पूजा पाठ करती हैं। तो आप मतलब आप और आपके परिवार साथ रहना चाहते हैं, खुश हैं आप? तो आपने सुना सचिन मीणा को जिस तरीके से उसने अपने प्यार का इजहार किया है, 3 साल पहले वो एक पाकिस्तानी महिला से संपर्क में आया था, और किस तरीके से आज उसने जो बताया कि नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है, और वहीं जो सीमा हैदर है उसने धर्म परिवर्तन किया है, पूजा अर्चना करती है लगातार, और वो अब हरिद्वार जाकर गंगा जी नहाने की भी बात कर रही है। लेकिन तमाम जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, और हैदर और सीमा हैदर और इसकी जो सचिन की जो लव स्टोरी है वो दोनों मुल्कों में चर्चा का विषय बनी हुई है, लोग चर्चा कर रहे हैं घर घर, और जिस तरीके से ये अपने आप में, कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से गदर मूवी में प्रेम के लिए, अपना प्रेम पाने के लिए, अपनी मोहब्बत पाने के लिए, अपने बच्चे की माँ को मिलाने के लिए जो सनी देओल है उसमें किरदार में तारा सिंह का रोल करता है, वो अपने बेटे को पाकिस्तान जो बिना वीजा बिना उसके रात के अंधेरे में तारों के नीचे से निकलकर पहुंच जाता है पाकिस्तान, और किस तरीके से हम गदर एक प्रेम कथा मूवी एक बड़ी चर्चा का विषय थी, लेकिन आज देखने को मिली है दूसरी भी गदर आ चुकी है, अब तीसरी गदर अगर देखा जाए तो किस तरीके से उल्टा हो गया, पाकिस्तान से बच्चों को लेकर उनके अपने प्यार को पाने के लिए जो सीमा है वो किस तरीके से सचिन को पाने के लिए इंडिया पहुंच गई है, और इंडिया में उसका भरपूर स्वागत किया जा रहा है, यानी पाकिस्तान की बहू का इंडिया में भरपूर ख्याल और उसका सम्मान किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार जो सीमा हैदर वो कह रही है कि मुझे वापस ना भेजा जाए, वहां के लोग मुझे मार देंगे, उन लोगों की चाल है, वहां का वातावरण बहुत गंदा है, वहां के लोगों में भी उसने कुछ ना कुछ कमियां और सारी स्थिति बताई है कि यहाँ का कायदा कानून, यहाँ की स्थिति इंडिया की बहुत बेटर है, जिसको लेकर सीमा हैदर का भी सब लोग सम्मान कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीमा हैदर को कब इंडिया की नागरिकता मिलेगी या फिर इसको वापस जाना पड़ेगा, ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके की ये लव स्टोरी है ये अपने आप में चर्चा का विषय है, जिसकी हर घर में आज चर्चा हो रही है, और जो कि बात करें सचिन के परिवार ने भी जो सीमा हैदर है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया है, यानी उसके जो 4 बच्चे हैं, 1 बेटा है और 3 बेटी हैं, उनको भी एक्सेप्ट कर लिया है और उनको भी प्यार और दुलार दे रहे हैं, जिसमें अगर मीडिया कर्मियों की बात करें, कुछ तमाम मीडिया कर्मी उनके घर पहुंच रहे हैं, उनसे तरीके सब तरीके की बातें कर रहे हैं, बच्चों से अलग बात कर रहे हैं, जो सीमा हैदर है उससे अलग बात कर रहे हैं, और सचिन जो मीणा है उससे अलग बात कर रहे हैं, तमाम तरीके की बात करें, लेकिन जो अगर देखा जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट नजर आ रहा है, यानी उनके उनको घर गृहस्थी की बात कर रहे हैं, प्यार सम्मान की बात कर रहे हैं, और सब एक बात चाहते हैं कि अब सीमा आ गई है तो ये अब इंडिया का या हमारे घर का हिस्सा बने, जिसको लेकर अब देखने वाली बात होगी कि सबसे बड़ी बात है कि अगर बात करें जो सीमा गुलाम हैदर है ये सिंह के पाकिस्तान की रहने वाली है, 27 वर्षीय महिला है, वहीं जो सचिन से प्रेम प्रसंग हो गया, अब उसका सीमा का कहना है कि मैं अब सीमा हैदर नहीं अब सीमा सचिन बन चुकी हूं, तो प्लीज योगी और मोदी सरकार से भी गुहार लगा रही है, अब देखेंगे योगी और मोदी सरकार उसको कितना सम्मान और किस तरीके से दिया जाएगा ये वक्त बताएगा, जब तक लिए नमस्कार। अनोखी प्यार की दास्तान आपको कैसी लगी,
अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।